हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। आज हम लोग बात करेंगे ब्लैक स्प्रिंकलर की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ स्प्रिंकलर की, जैसे ब्लैक स्प्रिंकलर है, रेड स्प्रिंकलर है, येलो है, ग्रीन है। तो वो किस टेम्परेचर पे काम करते हैं और वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं इनका, और उनकी कॉस्ट क्या होती है। तो जो ब्लैक स्प्रिंकलर होता है, इसका टेम्परेचर होता है 204 डिग्री सेल्सियस, 204 डिग्री सेल्सियस, और ये काफ़ी कॉस्टली होता है। इसकी कॉस्ट होती है अप्रॉक्स 1500 रुपीज़ पर पीस। और अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये यूज़ किया जाता है जहाँ पर काफ़ी हाई टेम्परेचर हमें मिलता है, यानी कि ऑयल रिफाइनरीज़ में, और जैसे मोल्डिंग कास्टिंग यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और जो ये बर्स्ट करता है, ये 204 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बर्स्ट करता है। ये तो बात हो गई हमारे ब्लैक स्प्रिंकलर की। अब हम बात करते हैं रेड स्प्रिंकलर की। इसका टेम्परेचर जो होता है वो होता है 68 डिग्री सेल्सियस, और इसका यूज़ किया जाता है घरों में, होटल्स वगैरह में किया जाता है। और इसकी जो कॉस्ट होती है वो अप्रॉक्स होती है 180 रुपीज़। अब हम बात करते हैं ग्रीन स्प्रिंकलर की। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 93 डिग्री सेल्सियस, और इसको यूज़ करते हैं किचन में। और अगर कॉस्ट की बात करें तो ये अप्रॉक्स होता है 400 रुपीज़। अब बात करते हैं येलो स्प्रिंकलर की। तो इसका यूज़ स्मॉल किचन में किया जाता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 79 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसकी जो कॉस्ट होती है 400 रुपीज़ होती है। अब हम चलते हैं ब्लैक स्प्रिंकलर को डिटेल में समझेंगे। रख ला, पगला देंगे। पूछो कितना रुपया का ये, कितने का है जो हाई है वाला पूरम है ना, 95 डिग्री यहाँ लिखा हुआ कितने रुपए का आता है। 1500 बोल रहे हैं।